क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शो दैट जेड फाइव है जिसके अंदर एलिमेंट दिए हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4 इज ए ग्रुप ऑफ द ऑपरेशन प्लस फाइव डिफाइंड एज ए प्लस बी फाइव इज इक्वल टू ए प्लस बी इफ ए प्लस बी लेस देन फाइव। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ग्रुप के कोई दो एलिमेंट जोड़ करके उनका जोड़ जो है उसी के बराबर रख लेना है अगर उनकी वैल्यू दोनों के एलिमेंट के जोड़ की वैल्यू 5 से कम है। अगर उनके जोड़ की वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो उनमें से 5 घटा करके रखना है। कहना चाह रहा है कि इस प्लस 5 ऑपरेशन के ऊपर ये ग्रुप है। और दूसरा कहना चाह रहा है कि जेड फाइव इसको दूसरी फॉर्म में ऐसे भी लिखा जा सकता है जेड फाइव इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 प्लस मोड ऑपरेशन आपको दे रखा है प्लस मोड फाइव इज ए ग्रुप। ओके यानी ये सेट जो है एक ग्रुप है मोड के प्लस मोड ऑपरेशन प्लस का है और मोड पांच के साथ में। ओके ये मेरे कुछ सिद्ध करना है कि ये ग्रुप है। चलो भाई एक तरीका तो ये है बेटा कि मैं कंपोजिशन टेबल लगाऊं इसके ऊपर। दूसरा तरीका यह है कि मैं इसको डायरेक्ट करूं। मैं इसके ऊपर कंपोजिशन टेबल का यूज़ करूंगा उससे आपके लिए क्वेश्चन समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ओके सॉल्व सबसे पहले मैं इसका कंपोजिशन टेबल बनाता हूं। ओके द कंपोजिशन टेबल ऑफ जेड फाइव। चलो भाई यहाँ बना दूंगा इधर समझने की कोशिश करना। आपका ऑपरेशन है प्लस का 5। आप यहाँ अपने एलिमेंट लिख लो सारे। ये तो 0 लिखा सर, ये 1 लिखा, ये 2 लिखा, ये 3 लिखा और ये 4 लिख लिया। ये 0 लिखा, 1 लिखा, उसके बाद 2 के बाद 3 के बाद 4। इसका इंपॉर्टेंट रूल रहेगा। ओके आपको करना है प्लस 5। देखना मतलब क्या है, इन दोनों को जोड़ो। 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 0 + 1 इज इक्वल टू 1, 0 + 2 इज इक्वल टू 2, 0 + 3 इज इक्वल टू 3, 0 + 4 इज इक्वल टू 4। क्लियर इन दोनों को जोड़ो। 0 और 1 1, 1 और 1 2, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 4 और 1 5। ध्यान से सुनना, ये कंसेप्ट लगा लो या ये लगा लो, यहाँ से बता रहा हूँ ये तो बहुत आसान है कि उसमें से जो है ना वही घटा देना है। 4 और 1 5। जब भी नंबर इस 5 से बड़ा आएगा जोड़ने के बाद, लिसन केयरफुली मेरे वर्ड्स को, दो नंबरों को जोड़ने के बाद अगर नंबर इससे बड़ा आता है तो आप, या इसके बराबर आता है तो आप उस नंबर को डिवाइड लगाओगे। 5 को डिवाइड लगाओ आप किससे, 5 से ही डिवाइड लगाओ। 5 को 5 से डिवाइड लगाने के बाद आपके पास रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। जो रिमाइंडर बचेगा आप उसको लिखोगे 0। क्लियर, दोबारा फिर यूज़ होगा फिर बताऊंगा। 2 + 0 2, 2 + 2 3, 2 और 1 3, 2 और 2 4, 2 और 3 5। फिर 5 को 5 से डिवाइड लगाओ क्योंकि यहाँ पहुँच चुके हैं आप। 5 को 5 से डिवाइड लगाया आपने, रिमाइंडर कितना बचा, शेष कितना बचा, 0। आप इसका यूज़ करोगे 0। 4 और 2 6, फिर बता रहा हूँ 6 7 12 आपके पास 6। 6 को डिवाइड लगाओ आप 5 से, 5 5, रिमाइंडर कितना बचा, 1। क्या लिखोगे यहाँ, 1। यानी यहाँ आपको रिमाइंडर लिखना है। 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 और 2 5, 5 आया। 5 को 5 से डिवाइड लगाओ, इस संख्या से डिवाइड लगाना है एक बार, रिमाइंडर कितना, 0। 3 और 3 6, 6 को 5 से डिवाइड लगाओ, 5 बचा कितना, 1। 3 और 4 7, 7 को 5 से डिवाइड लगाने के बाद नीचे शेष कितना बचेगा, 2। 4 0 4, 4 और 1 5, 5 को 5 से डिवाइड लगाने के बाद रिमाइंडर 0। 5 4 और 2 6, 5 से भाग लगाओ शेष बचा 1। जो शेष बचेगा आपको वो लिखना है, जो शेष बचेगा आपको वो लिखना है, फिर बता रहा हूँ जो शेष बचेगा आपको वो लिखना है। 4 और 3 7, 7 को 5 से भाग करो शेष बचा 2। 4 और 4 8, 5 से भाग करो शेष बचा कितना, 3। क्लियर,
क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मान गई नंबर एक, अब सारा यही निकल जाएगा बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी। इस सेट के अंदर से कोई भी दो एलिमेंट उठाओ जो आपका दिल चाहता है। क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है ए ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए, बी भी ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए, तो ए स्टार बी भी ग्रुप का ही एलिमेंट हो, ये कंडीशन है। यानी अगर ए बिलोंग टू जी है, बी बिलोंग टू जी है, तो ए स्टार बी बिलोंग टू जी होना चाहिए। कोई दो एलिमेंट उठाओ जो आपका दिल चाहता है। मैंने कहा कि बेटा कि सर मैं तो तीन उठाऊंगा, सही बात है, तीन बिलोंग्स टू जी है, जी का मतलब जेड फाइव है। आपने कहा सर चार बिलोंग टू जेड फाइव है, बिल्कुल सही बात है। कि सर ऑपरेशन तो प्लस पाँच का है, लगाओ दोनों के ऊपर ऑपरेशन प्लस पाँच, तीन प्लस चार मोड पाँच का ऑपरेशन लगाओ, चार और तीन कितने हुए, चार और तीन हुए सात, सात को डिवाइड लगाओ पाँच से, पाँच से डिवाइड लगाने के बाद शेष कितना बचा, दो। क्या दो जेड फाइव के अंदर नहीं है क्या? क्लियर? दोबारा फिर बता रहा हूँ कि सर दूसरे एलिमेंट के ऊपर लगा करके दिखाओ कि सर दो बिलोंग्स टू जे, दो बिलोंग टू जेड फाइव है, सही बात है, चार बिलोंग टू जेड फाइव है, बिल्कुल सही बात है, दोनों को जोड़ो सर, जोड़ का ऑपरेशन दे रखा प्लस पाँच के साथ, दो प्लस के चार, पाँच के साथ कह रहा है, चार और दो छः, पाँच से भाग कर दिया छः को, ठीक है ना। जब छः को डिवाइड करेंगे आप पाँच से, पाँच इकन पाँच, बचा कितना एक, रिमाइंडर कितना आया एक, शेष लिखना होता है। क्या एक जेड फाइव के अंदर नहीं है क्या? क्लोजर पास आपके सामने है, रत्ती भर भी डाउट नहीं। एसोसिएटिविटी की बात करता हूँ, आपका जो सेट दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, आपका सेट दे रखा है जेड फाइव, एलिमेंट कौन कौन से हैं उसके अंदर जेड फाइव के, एलिमेंट दे रखे हैं जीरो वन टू थ्री एंड फोर। के सर एसोसिएटिविटी लगा करके दिखाओ। ओके के सर इसके अंदर एसोसिएटिविटी अप्लाई करो। एसोसिएटिविटी का कंसेप्ट होता है कि अगर ए बिलोंग टू द जेड फाइव है, बी बिलोंग्स टू द जेड फाइव है या जी है, सी बिलोंग्स टू द जेड फाइव है, तो क्या होना चाहिए भाई, ए प्लस के बी प्लस के सी किसके ऊपर, मोड फाइव के ऊपर बराबर आना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी मोड फाइव पर, यही है ना कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ मोड फाइव की बात कह रहा है। चलो कोई भी तीन एलिमेंट उठाऊँ आप, मैंने कहा सर दो बिलोंग्स टू जेड फाइव, चार बिलोंग्स टू जेड फाइव, तीन बिलोंग्स टू जेड फाइव, कोई भी तीन एलिमेंट उठा लो आपकी मर्जी है, जोड़ो। मैं कह रहा हूँ दो प्लस के तीन प्लस के चार बराबर आना चाहिए दो प्लस के तीन प्लस के चार के, यहाँ से जोड़ो, दो और तीन पाँच, ठीक है ना, दो और तीन पाँच, पाँच और चार नौ, नौ निकल गया ना, सारा एक साथ कर रहा हूँ मैं, हालांकि वैसे तो ज़ीरो होगा यहाँ पे, दो और तीन पाँच, पाँच को पाँच से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर ज़ीरो, लेकिन आपको दूसरे तरीके से भी बता रहा हूँ, दो और तीन कितना हुआ पाँच, पाँच और चार कितना हुआ नौ, नौ के ऊपर आपने जैसे ही मोड फाइव लगाया, नौ को पाँच से डिवाइड करो, नौ को डिवाइड किया आपने कितने से पाँच से, शेष कितना बचा आपके पास, के सर नौ को पाँच से डिवाइड करने के बाद मेरे पास बचा चार, क्या चार जेड फाइव का एलिमेंट नहीं है क्या, रखा हुआ है। अब यहाँ देखो बराबर दो प्लस चार और दो कितना हुआ छः, सॉरी तीन और चार कितना हुआ सात, सात को जो है डिवाइड लगाओ आप पाँच से, मोड फाइव का कंसेप्ट लगाओ, पाँच इकन पाँच, बचा कितना दो प्लस के दो, दो और दो कितना हुआ चार। अगर ये एलिमेंट पाँच से ज़्यादा होगा मोड फाइव का कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, और अगर छोटा होगा तो नहीं करेंगे। क्लियर? चार बराबर चार हो चुका, समझ आ चुका, अर्थात और ये चार बिलोंग टू जेड फाइव, एसोसिएटिविटी पास, नो प्रॉब्लम किन्हीं भी तीन एलिमेंट के बाद। आप देखो भाई, अगर आप कहोगे वन प्लस के टू प्लस के थ्री, वन प्लस टू प्लस थ्री कितना निकला छः, छः निकल गया ना, छः के ऊपर मोड फाइव का कंसेप्ट लगाओ आप, यानी कितना निकल गया, छः को पाँच से डिवाइड लगाने के बाद शेष कितना बचा एक, एक बिलोंग टू जेड फाइव, हर एक एलिमेंट के ऊपर कंडीशन पास। आप कहोगे सर जीरो के साथ जोड़ो, मैं कह रहा हूँ बेटा जीरो प्लस के चार प्लस के तीन कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, चार और तीन कितना हुआ सात,
सात के ऊपर मोड फाइव का कंसेप्ट लगाया आपने, सात को पाँच से डिवाइड किया, शेष कितना बचा? दो। देखो आप, सात को डिवाइड लगाओ पाँच से, पाँच इकन पाँच, शेष कितना बचा? दो। दो बिलोंग टू जेड फाइव। हर एक एलिमेंट के लिए एसोसिएटिविटी पास, आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है कि अगर ए बिलोंग टू द ग्रुप है और ई बिलोंग टू द ग्रुप है तो कंडीशन होनी चाहिए बेटा ए स्टार ई इज इक्वल टू ए के आना चाहिए, और ये भी उसी सेट का एलिमेंट हो, जेड फाइव का या ग्रुप लिया मैंने तो जी फाइव जी ले लो। ओके, अब देखो बेटा यहाँ ऑपरेशन किसका है? प्लस का है। ऑपरेशन है मोड फाइव प्लस के साथ। और मैंने आपको बताया था कि प्लस के केस में आइडेंटिटी सदैव जीरो होती है, आपको सोचने वाली बात नहीं है, पूरे मैथमेटिक्स में यही चलता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर ऑर्डर्ड पेयर को छोड़ करके। ओके, चाहो तो मैं प्रूफ दे दूंगा। देखो भाई यहाँ क्या होगा कि सर कोई एलिमेंट उठाओ आप ई, उस ए उठाओ उसके साथ प्लस का ई करो, उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करो मोड फाइव की, बराबर लोड करके जो है ना ए ही आना चाहिए। देखो आप, अगर मैं कहता हूँ ए की वैल्यू जो है ना आप पाँच रख लो, सॉरी इन्हीं एलिमेंट के अंदर से ए की वैल्यू रखनी है, आप ए की वैल्यू चार रख लो, चार के साथ कोई एलिमेंट जोड़ो आप, सपोज दैट आपने ई ही जोड़ा, बराबर क्या आना चाहिए आपका? चार ही तो आना चाहिए। चार प्लस ई बराबर कितना आना चाहिए? चार। तो ई की वैल्यू कितनी निकली? चार माइनस के चार बराबर कितना? ज़ीरो। बराबर किसके? ई के। मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, आपको ये कैलकुलेशन भी नहीं करनी। प्लस के केस में आइडेंटिटी सदैव जीरो, सो दैट ई इज इक्वल टू कितना निकल गया? जीरो। नो प्रॉब्लम, समझ आ चुकी है बात। इनवर्स की बात करते हैं, यही निकाल देता हूँ इनवर्स। इनवर्स जो होता है बेटा देखना, आप शॉर्ट तरीका भी बता दूंगा। आपके पास जेड फाइव के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं? जीरो है, वन है, टू है, थ्री है और फोर है, और दे रखा है आपको मोड फाइव। डेफिनेशन होती है एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेट करने से आपके पास आइडेंटिटी ई आना चाहिए, और ई भी जो है ना ग्रुप का एलिमेंट हो, और ए कोमा बी भी ग्रुप के ही एलिमेंट हो। ई हमारे पास प्लस के केस में कितना होता है? ई इज इक्वल टू आना चाहिए ज़ीरो। क्लियर? यहाँ इस केस में क्या होगा, यानी सर ए प्लस के बी होना चाहिए, दोनों के ऊपर कितना आना चाहिए? मोड फाइव लगना चाहिए, बराबर के क्या हो जाना चाहिए? यानी ई आ जाना चाहिए, यानी ज़ीरो आ जाना चाहिए। जोड़ो आप, देखो आप पहले तो वन को देख लो, अगर वन को कौन से एलिमेंट के साथ जोड़ूं, सोच करके देखो आप, वन को कौन से एलिमेंट के साथ जोड़ूं? अगर मैं वन को चार के साथ जोड़ता हूँ, वन प्लस के चार कितना निकला? पाँच। अब पाँच को पाँच से भाग लगा दो आप, पाँच को पाँच से भाग लगाने के बाद शेष कितना बचा? ज़ीरो। पाँच को पाँच के ऊपर मोड फाइव की कंडीशन लगाई, कितना बचा? ज़ीरो। आ चुका ना, समझ आ चुका, यानी वन का इन्वर्स कितना हुआ? चार। अब दो को जोड़ो, दो को कौन से एलिमेंट के साथ जोड़ूँ ताकि ज़ीरो आए मोड पाँच के केस में? अगर मैं दो और तीन जोड़ता हूँ, दो को तीन के साथ जोड़ो आप, दो और तीन कितना निकल गया? पाँच। पाँच को पाँच से डिवाइड लगाने के बाद रिमाइंडर कितना आया? ज़ीरो। यानी दो का इन्वर्स तीन, या तीन का इन्वर्स दो, एक का इन्वर्स चार। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? ज़ीरो। ज़ीरो का इन्वर्स ज़ीरो। क्लियर? समझ आ चुकी बात? अगर नहीं समझ आया, दूसरा तरीका देखो। ये जो मेरा कंपोजिशन टेबल है, आपको इसके अंदर इन्वर्स निकालना है। देखना बेटा, यही सेम कंडीशन पास होगी। कंपोजिशन टेबल की हेल्प से इन्वर्स निकालना, आप एलिमेंट ढूंढो जहां जीरो आ रहा है, बस एक तो जीरो ही आ रहा है, एक जीरो ही आ रहा है, एक जीरो ही आ रहा है, एक जीरो ही आ रहा है, और एक जीरो ही आ रहा है, ठीक है ना? जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है, अर्थात जीरो का इन्वर्स जीरो। वन का इन्वर्स क्या है? वन के इन्वर्स की बात करता हूँ। वन के साथ देखो जीरो कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है जीरो। इसके ऊपर वाला एलिमेंट देखो कितना है? चार। यानी वन का इन्वर्स चार, या चार का इन्वर्स वन। एक प्लस चार कितना? पाँच। पाँच को पाँच से डिवाइड लगाया, डिवाइड लगाने के बाद रिमाइंडर कितना बचा? शेष कितना बचा? जीरो। आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, जीरो आ चुका। आगे देखते हैं कि सर दो का इन्वर्स, दो पर चलो आप जीरो, ये है। उसके ऊपर वाला एलिमेंट देखो, दो का इन्वर्स तीन, यहाँ से देखो आप दो प्लस के तीन, जीरो मोड फाइव पे। क्लियर?
तीन का इन्वर्स देखो आप, जीरो यहाँ आ रहा है, तीन का इन्वर्स इसके ऊपर चलो, तीन का इन्वर्स कितना, दो। देखो आप रिवर्स इन्वर्स होते हैं। चार का इन्वर्स पहले ही बता चुका है, एक चार का इन्वर्स है, चार एक का इन्वर्स, यहाँ से देख लो, चार का इन्वर्स जीरो यहाँ आ रहा है इसके ऊपर एक, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स आ चुका, और जो इन्वर्स निकल करके आ रहा है वो ग्रुप के अंदर ही है, इन्हीं पांच एलिमेंट में से है। यानी देखो आप, वन का इन्वर्स चार, जेड फाइव का ही एलिमेंट है, दो का इन्वर्स तीन, जेड फाइव का ही एलिमेंट है, चार का इन्वर्स एक, जेड फाइव का ही एलिमेंट है, चार का इन्वर्स एक, जेड फाइव का ही एलिमेंट है, तीन का इन्वर्स दो, जेड फाइव का ही एलिमेंट है, आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी। सो दैट आप क्या कहोगे, जेड फाइव इज ए ग्रुप। आपका डाउट हो, आपकी प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके बाय।